बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं मेरे को कि बिग बॉस पे वीडियो बनाओ, बिग बॉस पे वीडियो बनाओ, बिग बॉस पे वीडियो बनाओ, बिग बॉस पे काफी सारे वीडियोस आए हैं गाइस। लेकिन हमारे सेकंड चैनल पे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। ओके बाकी इस बार का बिग बॉस उतना ताबड़तोड़ है नहीं जिसपे एक अच्छा रोस्ट वीडियो भी बन सके। और इस बार बिग बॉस कम स्टेज वाला ज्यादा होते जा रहा है, बहुत सारे कपल्स आ चुके हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ चुके हैं और बॉयफ्रेंड्स के दूसरी गर्लफ्रेंड्स भी आ चुकी है, मतलब घर वाली बाहर वाली। वैसे ही मुनावर फारूकी की भी इस बार घर वाली नाजिला तो नहीं आई है लेकिन बाहर वाली आयशा खान को बिग बॉस में भेज दिया है। बाहर वाली भी हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रही थी। कैसे आप बताइए, इतना याद किया आपने क्यों जाना पड़ा? आपको याद तो नहीं किया? अच्छा नहीं किया, मैंने देखा आपने मेरी ब्रेसलेट पहनी हुई थी तो मुझे लगा शायद याद कर रहे होंगे। नहीं, मैं घर पे बहुत सारी ज्वेलरीज लेकर आया था ना तो उसमें से। अच्छा उसमें से याद नहीं रहा होगा, इतने सारे लोगों की ब्रेसलेट्स लिए होंगे। वन ऑफ इट कुड बी मैं। आप टॉन्ट कर सकते हो बट मुझे मिस करेंगे शो में, तो आप ब्रेसलेट पहनेंगे? मुझे याद नहीं है बट डेफिनेटली मैं वो ब्रेसलेट जब लाया हूँ मुझे पता है कि वो आपका ब्रेसलेट है और मेरे पास दो तीन चीजें ही होती है एज अ ज्वेलरी तो मैं वो लेकर आया। आप शो में तो रिलेशनशिप में हो आप कह रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाहर इस तरह यहाँ से शो से जबकि बाहर इस तरह न्यूज है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज बिफोर वी एंटर द शो, आप अभी मुझसे कह रहे हैं कि हर रिलेशनशिप में तो ऐसा ही होता है, अच्छे से बात करते हैं। मैंने तो आपसे शुरू होने से पहले ही बोल दिया था कि आपकी अगर गर्लफ्रेंड किसी भी एंगल से इन्वॉल्व है आप मुझसे दूर रहो। आपने बोला देयर इज नो सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयर इज नो वे दैट वी आर इन्वॉल्व यू एंड हर, तो मैं कैसे आई पिक्चर में? तो आप अगर रिलेशनशिप में नहीं है और किसी को बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ रहे तब आप चीट कर सकते हैं। नहीं, मैं चीट नहीं कर रहा था। इसको टू टाइमिंग भी नहीं बोल रहे, शी एक्चुअली लव्ड यू एंड यू नो यू हैव डन हर डर्टी। मतलब मुनावर भी खुद ये बोल रहा है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है नजीला से, मैं नहीं चाहता ये बात बाहर भी जाए कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। कहना क्या चाहते हो? लगता है ये पागल हो गया। ये रिलेशनशिप वाली बातें मेरे को कभी समझ में नहीं आने वाली। मुनावर बहुत ही क्लियरली स्पोकन बंदा है, जो मन में रहता है वो बहुत ही अच्छे से शब्दों में उतारता है अपने शायरियों के जरिए और ऐसे भी बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन वो क्लियरली अनकंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पे, मतलब वो झूठ बोल रहा है। मुनावर को ईशा वाले कंडीशन में डाल दिए। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। एक्स और करेंट दोनों को साथ में ला के बीच में फंसा दिए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। लोग अपने काम धंधा छोड़ के बिग बॉस देखने बैठ जाएंगे, इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। मेरा नाम आयशा खान है, एक कंटेस्टेंट है मुनव्वर फारूकी। आई हैव अ हिस्ट्री विद हिम, जैसा दिखाते हैं वैसा कहीं से भी नहीं है। शो पे आप कह रहे हैं आप कमिटेड हैं, मुझसे कह रहे थे कि आई लव यू, आप जैसी लड़की से तो शादी करना चाहिए, गलतियों की माफी होती है गुनाहों की नहीं, जो उन्होंने किया है वो गुनाह है। जब मैं शो में जाऊँ आई वॉन्ट एन अपोलॉजी। आयशा खान के बारे में मीम्स के जरिए पता है, मीम्स पे ये अपना खूब प्रमोशन करवाती हैं। मेरे को ये नहीं पता हाउ इज शी इन अ पर्सन, लेकिन यहाँ पे वो जिस तरीके से बात कर रही है शी सीम्स टू बी ऑनेस्ट। बात तो सही है। ऑनेस्टली मुझे भी मुनावर एज अ क्रिएटर बहुत पसंद है, लेकिन मुनावर के जो अंधभक्त टाइप फैंस है वो ये मानने को राजी ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो तो खैर देखेंगे गाइज आगे चल के क्या कैसी कैसी बातें हो रही है। मुनावर इतने दिन से कमिटेड भी थे शो में लेकिन अब अचानक खुद ही बोल रहे हैं कि ब्रेकअप हो गया, तो देखो आगे क्या क्या और बोलते हैं। लेकिन अगर आप इतने से ही बात से कंक्लूजन पे नहीं आना चाहते कि कौन सही और कौन गलत है और यही कह रहे हो मुनावर गलत नहीं हो सकता, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आयशा जो बोल रही है वो भी गलत ही हो। सही बात है। बिग बॉस शो स्टार्ट होने से एक मंथ पहले मुनावर आकर उनको प्रपोज किए थे एंड बोले थे कि नजीला इज नॉट माय करंट गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप हो चुका है तो मैं आपको पसंद करता हूँ। बट बिग बॉस स्टार्ट होने से एक दिन पहले अचानक से वो नजीला के पेज में जाकर देखी कि वो एंड मुनावर एक साथ फोटो डाले एंड दे वर टुगेदर, तो वो क्लेम की कि वो नजीला से जाकर बात भी की थी ऑन दिस टॉपिक एंड तब उनको पता चला कि मुनावर एंड वो लोग एक साथ है। नॉट ओनली दिस, इसके बाद लोगों ने एक और चीज पॉइंट आउट करके बताया कि नजीला 4 वीक्स पहले ऐसे ही एक रील अपलोड की थी एक ट्रेंड में जिसका कैप्शन था माई बॉयफ्रेंड हैज 2 गर्लफ्रेंड्स एंड उसके बाद एक ट्रांजिशन आता। बट आयशा खान इस पोस्ट के नीचे कमेंट कर दी थी इतना सच भी नहीं बोलना था। ये मेरे को पता नहीं था कि आयशा ने ऐसा कमेंट किया।
किया है सरकास्टिक तो है लड़की। और मेरे को जहाँ तक याद है नजीला का भी कोई तो इंस्टाग्राम स्टोरी आया था जिसमें उन्होंने भी लिखा था इफ यू मीट योर हीरोज यू विल बी डिसअपॉइंटेड। मेरे को नहीं पता वो स्टोरी का क्या मतलब था, लेकिन जो ये बोल रही है और वो स्टोरी याद करो तो दोनों की बातें बहुत सेम सी लग रही है। आई डोंट नो, शो पे आप कह रहे हैं आप कमिटेड हैं, शो पे जाने से पहले आप मुझसे कह रहे थे कि यू नो आई लव यू, आप जैसी लड़की से तो शादी करना चाहिए, सब कुछ झूठ था। आई वॉन्ट एन अपॉलोजी बेसिकली। यू ऑल नो मी एज आयशा खान, यू ऑल नो मी आयशा खान, टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट नीड यू। गजब बेइज्जती है ये बिग बॉस कम टेम्पटेशन आइलैंड ज्यादा होते जा रहा है। टेम्पटेशन आइलैंड का भी कुछ ऐसा ही सीन है कि बॉयफ्रेंड को भी बुलाते हैं और एक करेंट लड़का के साथ भी भिड़वाते हैं और देखते हैं चीट करता है कि नहीं। ये एकदम एग्जैक्टली बिग बॉस को ऐसा बनाते जा रहा है, पता नहीं क्यों। कहां जाती चली गई, हंसी क्यों आ रही है? लेकिन अच्छा हुआ रो रहा है यार, उसको रोने मत बोल, रोने मत बोल, जीतना है तुझे अभिषेक। ये इमोशनल म्यूजिक लगाने से बंदा सही नहीं हो जाएगा। विथ हर विदाउट हर क्या भाई, अभिषेक जबरदस्ती अपने आप को लिंक अप करना चाहता है बस किसी के साथ, किसी एक लड़की के साथ। उस वो चाहता है कि कपल टाइप वाली चीजें सीख पाए। पहले ईशा को लेकर रो रहा था, फिर दहल का प्राइस भी जब निकले ना तब भी ये ऐसे ही रोया था। खानजादी जा रही है उनको लेकर रोने लगा, सबके जाने पर वो ऐसे ही रोता है। विथ हर विदाउट हर वाली कोई बात नहीं है। चिंटू जाएगा ना तब भी ये रोएगा, लेकिन चिंटू जाएगा नहीं, चिंटू जीत भी सकता है। योर बंजर बंजर लुकिंग स्कैल्प स्कैल्प बंजर जमीन होते जा रही भावा। योर हेयर लिटिल लिटिल बाय बाय। आप किसी को गंजा नहीं बोलना है, उसको बोलना योर हेयर लिटिल लिटिल बाय बाय। तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया तो हलवा खत्म, पर बाहर आया तो चप्पल गायब। या तो रोएगा, उसको बीच का रास्ता पता ही नहीं है। मनारा चोपड़ा जिसका एक ही काम है दोस्ती का वैलिडेशन मांगना। आपने अनुराग से एक बार भी नहीं पूछा कि व्हाई डिड ही नॉमिनेट योर सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड इन दैट। ये क्या फ्रेंडशिप, ये कैसे कहते फ्रेंडशिप? अकॉर्डिंग टू मी इट्स हिपोक्रेसी, इट्स कॉल्ड हैविंग डबल स्टैंडर्ड। क्यूट बनने की एक्टिंग करना, मतलब इसकी एक आदत नहीं पसंद है मुझे। वैसे ही मुनावर के पीछे भी बस इसलिए है कि मुनावर का फेम इसको मिल सके, वरना मतलब ये घंटा टैलेंटेड नहीं है यार। और करण ने जो बोला ना, मतलब दिल हल्का हो गया सुन के। करण को होस्ट करना चाहिए ये शो कुछ दिनों के लिए। मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ, किसका एफर्ट लूंगा, कम्युनिकेशन मुन्ना से रखूंगा, मैं बहुत अच्छा कनेक्शन कम्युनिकेशन खानजादी से रखूंगा, मैं नारा से टच में रहूंगा, मैं सना से टच में रहूंगा। बाकी सबसे कनेक्शन सना से टच में रहूंगा। याद है ना गाइस, ऐसे एक्टिंग करी मैंने, उनका हाथ पकड़ा था जबकि ये बात बिग बॉस में डिस्कस कर चुके थे सलमान खान, फिर भी बाहर निकलने के बाद मैंने उनका हाथ पकड़ा था। आपने देखा? नहीं, मैंने नहीं पकड़ा होगा, मेरे हाथ ने उनको पकड़ा होगा। अब तो सच बोल दे भोसड़ा। ऑडियंस को एक हंसमुख चेहरा हमेशा पसंद है, होता है, होता है, मैं मानता हूँ। अग्रेसिव चेहरा भी पसंद होता है, अग्रेसिव भी होता है, हंसमुख ज्यादा पसंद। ऐसे किसने बोल दिया, सिद्धार्थ शुक्ला हंसमुख थे? सही पकड़े हैं। अयो रेस्ट इन पीस माय मैन। उन्होंने अपना अपना बता दिया कि हम किसकी कॉपी कर रहे हैं। मनारा का हंसमुख से मतलब था शहनाज और इसका अग्रेसिव से मतलब था सिद्धार्थ शुक्ला। दोनों उन दोनों जैसे एक दूसरे भी नहीं है, वो लोग का वो नेचुरल पर्सनैलिटी ही वैसा था, ये लोग वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत वियर्ड लगता है ऐसा देखना। गले में चुम्मी लिया इसने, बट इन माय माइंड आई वाज कंफ्यूज्ड। रणवीर भैया आपके साथ बहुत गलत हो रहे हैं, गले में चुम्मी लेना इतना कैजुअल होता नहीं है जितना कैजुअली इसने कर दिया है। जिस टाइम इसने फिल्म करा था उसके पहले से तो ये और रणवीर डेट कर रहे थे ना, और मेरे को जहाँ तक याद है एक इंटरव्यू में जाके ये भी बोल रही है कि विन डीजल को देखो कितना अच्छा दिखता है वो, उसके और मेरे बच्चे कितने प्यारे प्यारे होंगे। नमस्ते नमस्ते, मैं आप सभी को बहुत बहुत प्यार करता हूँ। कितना प्यार से सिखा रही है ये, कितना प्यार से सिखा रही है।
प्यार से तो ये रणवीर सिंह से बात नहीं करती है। He talks about his mother passing away, उनका failed first marriage, उनका son and all the struggles. But सलमान खान को कहीं ना कहीं ये चीज रिपीट मोड में अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, अच्छा नाम कमाने के बाद पता नहीं अपने पास्ट के दर्दनाक किस्से दोहराने में उनको क्या खुशी मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसा करते कि मुनावर ऐसा करता है, और मुझे खुद भी पर्सनली लगा कि मुनावर लॉकडाउन में जितना अच्छे से खेला था उतने अच्छे से वो बिग बॉस में तो खेल ही नहीं पा रहे हैं। एंड समवेयर सलमान भाई इज राइट, क्योंकि अपने बुरे एक्सपीरियंसेस को बार बार डिस्कस करना वैसा ही हो गया कि अपने आप को हम याद दिला रहे कि हम इस चीज से गुजरे थे, और बार बार उस बारे में बात करने से मन ऐसा उदास सा होता है और हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते किसी भी चीज में। एंड इफ मुनावर इज डूइंग द सेम तो उनके साथ भी वही होगा। बाकी गाइस आई सीरियसली डोंट वॉच बिग बॉस, क्योंकि कोई कुछ भी करे उससे हमें क्या, हमारा तो वीडियो बन गया। बिग बॉस इसलिए नहीं देख पाती हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे काम है गाइस, मैं टीवी बिल्कुल नहीं देख पाती हूँ, इसलिए पार्डन मी इफ आई डोंट नो द होल स्टोरी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो फिर भी पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी जाके फॉलो कर लेना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।